वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष कुमार। नाइन्थ क्लास के सेशन में हम लोग थर्ड चैप्टर, मैथ्स का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसका अभी तो हम लोग इनिशियल पढ़ेंगे, बट टेंथ क्लास में इसका काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा फार्मूला और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बट सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है और इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ये काफ़ी इजी चैप्टर है और अगर हम लोग अच्छे से ध्यान दें तो एक बार इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील अबाउट द एक्सिस, क्वाड्रेंट्स एंड कार्टेशियन प्लेन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री क्या होता है कि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग एक्सिस, क्वाड्रेंट्स और कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। एग्जैक्टली क्वाड्रेंट ज्योमेट्री होता क्या है? क्वाड्रेंट ज्योमेट्री जो है दो पॉइंट के माध्यम से किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने का एक तरीका होता है। जैसे इसका यूज हम लोग बहुत सारे यू में ये लैटिट्यूड एल्टीट्यूड के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री इतना एल्टीट्यूड और इतना लॉन्गिट्यूड में है। तो दो पॉइंट जो है, दो डिग्री किसी प्लेस को वेरीफाई कर देता है। उसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो पॉइंट को लोकेट करने का तरीका है। कैसे हम लोग लोकेट करते हैं किसी पॉइंट को किसी पर्टिकुलर एक्सिस में और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। और भी इसमें टर्म क्वाड्रेंट ज्योमेट्री क्या होता है कि जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील अबाउट द एक्सिस, क्वाड्रेंट्स एंड कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें सबसे पहला जो चीज देखेंगे वो एक्सिस क्या होता है। एक्सिस मतलब प्लूरल ऑफ एक्सिस। टू लाइंस, वन वर्टिकल एंड वन हॉरिजॉन्टल, विच cut each other at 90 degree। दो लाइन जिसमें एक वर्टिकल लाइन होता है और एक हॉरिजेंटल लाइन होता है और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसका ऑपोजिट में एक्स डैश एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये हो गया वाई डैश एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है, ये जो दो लाइन है, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक दूसरे को जिस 90 डिग्री पे कट करता है ये कहलाता है एक्सिस, पोलर एक्सिस होता है इसका। ये क्या करता है, इस प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो प्लेन है इस प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया। इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड पार्ट आते हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐसे जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और जो सबसे लास्ट में आता है ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो
एक्सिस है ये इस प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चार क्वाड्रेंट हो गया। और एक्सिस और क्वाड्रेंट ये सब साथ में मिलकर बनाता है कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए एक्सिस क्या होता है, टू लाइंस, वन वर्टिकल एंड वन हॉरिजॉन्टल व्हिच कट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको वाई ओ वाई डैश, वाई एक्सिस बोलते हैं। दोनों जिस पॉइंट पे कट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, किसी भी चीज को उत्पत्ति जहां से होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। ये ओरिजिन हो गया, दोनों जहां जिस पॉइंट पे कट करेगा। ये दोनों लाइन जो है इस प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन अ प्लेन व्हिच कंसिस्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेंट्स, a plane which consists axis and quadrants is called Cartesian plane। इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे कि एक ऐसा लाइन जिसमें एक्सिस हो और क्वाड्रेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है हम लोग का, इसको हम यहां पे शुरू से बनाते हैं ऊपर में। ये कार्टेशियन प्लेन को, ये कार्टेशियन प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।